हाँ अबे हाँ भाई, मकसद कहने का प्लस कहने का है, मार्केट में आजकल माल शॉर्ट चल गया, सही है ना? हाँ सभी का सौदा कर ले। हाँ हाँ कर ले सबका सौदा। हाँ बोल दिया ना तेरे को एक बार, एक मिनट तरफ फोन रख, होल्ड पे। हाँ हेलो, हाँ एक तू फोन रख। हेलो। अबे अजीब आदमी है यार, दोनों ने फोन रख दिया। बड़े ही मसरूफ चल रहे हो भाई तुम तो। क्या करे, अल्लाह ने बड़ा मसरूफ रखा भाई। मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमेशा मसरूफ ही रखे, खाली दिमाग ना शैतान का घर होता। तुम सुनाओ, वैसे लड़की कैसी पसंद है तुझे? मकसद कहने का है और प्लस कहने का है, लड़की जो ना घरेलू होनी चाहिए और फुल तालीमी याफ्ता होनी चाहिए। आजकल तालीमी याफ्ता होना लड़की का बहुत जरूरी है। मकसद कहने का, प्लस कहने का, मैं खाली मैट्रिक पास हूँ, लड़की फुल पढ़ी लिखी चाहिए मेरे को। हाँ हाँ एक मिनट, फोन ही है। हाँ बोलो। एक मिनट। हाँ मकसद कहने का, प्लस कहने का, मैंने एक दफे फोन काट दिया ना तो भाई को खुसूसी मीटिंग में बैठा हूँ मैं, बाद में फोन करियो। हाँ काट फोन। हाँ तुम बोलो। आमदनी तेरी क्या बताऊं साबिर, वो लड़की वाले पूछते हैं ना भाई। आमदनी क्या बतानी है, ये देखो ना इतना बड़ा केटरिंग का कारोबार है, उधर से बाहर निकल के जक्की मारो, यहाँ से वहां तक जितनी भी दुकान है सारी तुम्हारे भाई की है अल्हम्दुलिल्लाह, और ऐसे 5-6 होटल और भी हैं, और क्या बताऊं आमदनी, अल्लाह का करे मैं बहुत अच्छा कमा रहे हूँ। चल बताती हूँ कोई देख कर तेरे लिए। अच्छा बात सुनो, कुछ खाती तो जाओ। अरे नहीं, पहले 3 रिश्ते लगाए, उनके पास भी निपटाना है, उनके पास भी जाना है, इतना टाइम कहाँ है मेरे पास। मर्जी है तुम्हारी, खा लेती तो अच्छा था। अरे हाँ याद आया, एक रिश्ता है हमारी बेटी रूबी के लिए, अच्छे पैसे वाले लोग हैं। पैसे वाले तो यहाँ भी बहुत हैं, अगर पैसे वालों में ही करनी होती तो मैं कब से रुखसत कर चुकी होती रूबी को। ये मुझे तो अपनी बेटी को बाहर ही ब्याना है। अरे बाहर के स्टेटस की तो बात ही अलग है, यहाँ ऐसे लोग कहाँ। ठीक कह रही हो तुम, ये बात तो है। मामा आ गई तुम? बेटा कभी घर में भी बैठ जाया करो, हर वक्त राबे के घर में घुसी रहती हो। तो और कहाँ जाऊं, आप और डैड ही तो कहते हैं कि अपने जैसे स्टैंडर्ड वाले लोगों से मिला करो, अब कोई और है ही नहीं इस पूरे मोहल्ले में स्टैंडर्ड वाला। खैर वो बात तो सही है, स्टैंडर्ड वाला तो हम जैसा कोई भी नहीं है यहाँ पर। खैर वो सब छोड़ो, तुम ना जरा अपना घूमना फिरना बंद करो, कल शहाब आ रहा है हैदराबाद से और कुछ दिन यहीं रहने वाले। शहाब भाई वो क्यों आ रहे हैं चश्माटू, हर वक्त पढ़ते ही रहते हैं, बिल्कुल बोरिंग है। या ना तुम शहाब के साथ भाई का धुमछला लगाना छोड़ दो, कोई खास फर्क नहीं है तुम्हारी और उसकी उम्र में। कौन आ रहा है भाई? अरे भाई वो बड़ी आपा का बेटा आ रहा है शहाब, इंटरव्यू के लिए, कुछ दिन यही रहेगा हमारे घर में। ये तो वही है ना जो बाहर जा रहा था, बड़ा टैलेंटेड लड़का है तुम्हारे खानदान का। आफ्टर ऑल भांजा किसका है, हीरा है हीरा। मैं तो सोचता हूँ इससे पहले कि इस हीरे का कोई और दावेदार बन जाए, इस हीरे पे अपना ठप्पा लगा दो। अरे ये बात तो मैं कब से सोच कर बैठी हूँ, और आपको पता है मैंने तो बड़ी आबा के कान में भी डाल दी है ये बात। ये तुमने बड़ी समझदारी का काम किया है। मामा शहाब भाई की तो परचून की दुकान है ना हैदराबाद में। अरे बेटा वो दुकान शहाब की नहीं है, वो तो कभी बैठता भी नहीं है इस दुकान पर, बरसों पुरानी दुकान है और उसके अब्बा ही चलाते हैं दुकान को। तुम क्यों फिक्र करती हो बेटा, कोई परचून फरों से तुम्हारी शादी थोड़ी करूंगा मैं, अपनी बेटी को तो मैं बाहर ही ब्याहूंगा। और क्या, जैसे तुम्हारी चारों कजने ब्याह कर बाहर गई है ना, वैसे ही तुम्हारी शादी भी बाहर ही करेंगे। अरे पैसे वाले तो यहाँ भी बहुत है मगर इनका कोई स्टेटस नहीं है, और देखो तुम ना शहाब के सामने जरा तमीज से रहना, समझ गई ना। देखो बेटा मैं खुले जहन का आदमी हूँ, आखिर तुमने जिंदगी गुजारनी शाहब के साथ, मौका अच्छा है,
अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ आपस में। चलो अब इसी बात पे ना पापा के लिए चाय खुद बना के लाऊं। तुम्हें पता है मेरे कजन ना हैदराबाद से आ रहे हैं। अच्छा, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे अमेरिका से आ रहे हैं। डैड बता रहे थे कि शाह भाई बहुत टैलेंटेड हैं, जर्मनी, अमेरिका, कनाडा, हर जगह से ऑफर्स आ रही हैं उन्हें। अच्छा, तुम्हें पता है मेरे तारिक भाई अमेरिका में रहते हैं और अबू कह रहे थे कि हम सब भी वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। अब वैसे कब आ रहे हैं तारिक? आने वाले शादी के लिए। तुमने लड़की देख ली तारिक के लिए? तुम्हें तो पता है तारिक भाई का, उल्टी खोपड़ी के हैं वो, हमारी पसंद की कहाँ करेंगे, खुद ही आएंगे, खुद ही कर लेंगे। हाँ। अम्मी की कॉल आ रही है, बहुत देर हो गई, मैं चलूं। ओके बाय। अच्छा वो बेटा तुम हमारे घर आ गए, बड़ी खुशी हुई तुम्हें देखकर। भाई हमारे खानदान के बड़े होने हर सपूत हो तुम। जाहिर सी बात है खालू, और ये सब आप बड़ों की दुआओं का नतीजा ही तो है। अरे हम दुआ नहीं देंगे तो और कौन देगा, आखिर हमारे घर के बच्चे हो तुम। और बेटा फ्यूचर में क्या करने का इरादा है? खालू फाइनली मैंने अभी कुछ सोचा तो नहीं है। हाँ, अमेरिका का वीजा मुझे मिल चुका है। गुड। और जर्मनी की कंपनी मुझे ट्रेनिंग के लिए जर्मनी भेजना चाहती है। और ये इंटरव्यू कैसा है बेटा? अरे खालू असल में ये एक ब्रिटिश कंपनी है, मैं इंटरव्यू पास कर लूं उसके बाद पता लगेगा कि मैं आगे कहां और क्या करूंगा। गुड, वेरी गुड। वैसे बेटा घर में गाड़ी और मोटरसाइकिल दोनों मौजूद हैं, आप जो चाहो इस्तेमाल कर सकते हो। थैंक यू सो मच खालू, मगर अब मेरे पास इतना टाइम ही कहां है। अच्छा बेटा ये बताओ कि शादी के बारे में क्या इरादा तुम्हारा? शादी के बारे में फिलहाल मैंने अभी कुछ सोचा तो नहीं है। अच्छा मैं थक गया हूँ तो मैं थोड़ा आराम कर लूँ। हाँ हाँ बेटा जरूर, जब तक तुम्हारी खाला और रूबी भी आ जाएंगी। आओ मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूँ, आ जाओ। भाई तुम पैंट शर्ट पहना करो, लड़कियाँ ठीक है। अरे कसम से आपा घर में रौनक आ गई है शहाब के आ जाने से। वैसे आपा आपने क्या सोचा है शहाब और रूबी के रिश्ते के बारे में? अच्छा अच्छा बेसब्री ना बन, मैं कह तो चुकी हूँ मैं खुद आऊंगी ना किराना जी रिश्ता मांगने। अच्छा अच्छा ठीक है, हमारी तरफ से तो पूरी तैयारी है, आप कब तक आ रही हैं कराची? अच्छा बेसब्रपन तुम्हारा गया नहीं, कह तो रही हूँ मैं आऊंगी आऊंगी रिश्ता मांगने। अच्छा चलो अब मुझे खाना पकाना है, मुझे देर हो रही है, ठीक है बाद में बात करते हैं। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज आपा। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है राबिया। ओहो तो ये है राबिया। वैसे तो रूबी को पता है कि मेरे तारिक भाई अमेरिका में रहते हैं, हम लोग भी वहीं सेटल होने का सोच रहे हैं। अच्छा तो आपके भाई अमेरिका में रहते हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। कभी इन फ्यूचर मेरा अमेरिका जाना हुआ तो जरूर आपके भाई से ही मुलाकात हुई। अब जरूरत नहीं है वहाँ अमेरिका जाने की तारिक भाई के पास, वो खुद यहाँ आ रहे हैं। वैसे शाहब भी जाने वाले हैं जर्मनी ट्रेनिंग के सिलसिले में। अच्छा तो कब जा रहे हैं आप जर्मनी? वो फिलहाल मैंने इसके बारे में अभी कुछ सोचा नहीं है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? मना किया था ना शाह को तंग नहीं करना, अब जाओ यहाँ से। अरे नहीं खाला ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि इन लोगों के आने से मैं थोड़ा फ्रेश ही हो गया हूँ। सर में तेल डाल दो बेटा, सर दर्द कर रहा होगा। अरे नहीं खाला इसकी कोई जरूरत नहीं है, और आपको पता तो है मेरे सर में तेल लगने से मेरा सर और चकराने लग जाता है। अच्छा ये बताओ बेटा दोपहर में खाने में क्या खाओगे, बना दूँ कुछ? खाला कुछ भी बना ले, आपको तो पता है मेरी कोई खास चॉइस नहीं है खाने में, जो भी बनाएंगे मैं खा लूंगा। अच्छा अच्छा चले ठीक, पढ़ो शाबाश। फिर तो रूबी मेरी
बहुत खुश रहेगी वहां। खाला, खाला क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? खाला अम्मी का फोन आया था, अब्बू की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई है। मैं भी फिलहाल यहाँ से निकलता हूँ और दो चार रोज में वापस आ जाऊंगा। अल्लाह खैर करे, क्या होगा दुल्हा भाई को? वो तो वहाँ जाकर ही पता लगेगा। चलो ठीक है, ध्यान से जाना बेटा, ठीक है? जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मामा, मामा मैं जा रही हूँ, बस थोड़ी देर में आ जाऊंगी। कहाँ जा रही हो? शाब के जाते तुम्हारा बाहर निकलना शुरू हो गया। मामा अभी तो निकल कर जा रही हूँ मैं। आपको पता है राबिया का भाई आया हुआ है तारिक, अमेरिका से। उसने गेट टुगेदर रखी है और सब दोस्तों को बुलवाया है। अमेरिका से? अच्छा चलो ठीक है, फिर तुम जाओ। अच्छा जल्दी आ जाना, ठीक है बेटा? ठीक है। मामा वो राबिया का भाई तारिक है ना, बिल्कुल भी पहचाना नहीं जा रहा था। अच्छा याद है आपको, कितना दुबला पतला सा था और अब तो इतना हैंडसम हो गया है, मुझे घूर घूर के देख रहा था। मेरी बेटी माशाल्लाह है ही इतनी प्यारी। वैसे क्या करता है वो अमेरिका में? वो तो पता नहीं, कुछ ना कुछ तो करता ही होगा। वैसे राबिया बता रही थी कि वो यहाँ पर शादी करने के लिए आया है। जब तो बुलाया राबिया ने हम सब लड़कियों को। देखो बेटा तुम भी शहाब से फोन पे बात कर लिया करो, खालू की तबीयत ही पूछ लिया करो, शहाब को अच्छा लगेगा, उसके दिल में जगह बनाने की कोशिश कर। हैं? वालेकुम अस्सलाम बेटा, और क्या हाल है, ठीक हो? खैरियत से? बेटा बहुत दिन से सोच रहा था तुमसे बात करने की, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था। और सुनाओ बेटा, कैसी तबीयत है भाई साहब की? अब तो माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हैं वो, हम लोग घर ले आए हैं उन्हें, अभी कुछ दिन लगेंगे उन्हें रिकवर करने में। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और सुनाओ बेटा क्या प्रोग्राम है, इंटरव्यू देना क्या? दो दिन बाद इंटरव्यू है तुम्हारा? नहीं खालू साहब, अब मुझे कोई इंटरव्यू नहीं देना। अरे क्या कह रहे हो, फिर क्या करने का इरादा है तुम्हारा? बस अब तो फिलहाल अब्बू की दुकान संभालनी है, आगे अल्लाह मालिक है। मगर वो तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारी तालीम, खालू तालीम कभी सही नहीं होती है। ठीक है बेटा, फिर बात करते हैं, अल्लाह हाफिज़। दुकानदारी में फंस गया ये तो, पटरी से उतर गया एंड टाइम पर, बड़ी टेंशन दे गया यार ये तो, मैं तो कुछ और ही समझे बैठा था। भाई मकसद कहने का ये है, प्लस कहने का ये है, 50 या 500 देगी भी होती ना तो टाइम पे पहुंचा देता मैं, अब उसकी टेंशन ना लो। नहीं नहीं हो जाएगी। अच्छा एक जरूरी मीटिंग में बैठा हूं मैं, हाँ बाद में बात करना। अब बाजी तो मुझे ये बताओ, वो मेरे नसीब की लड़की कहाँ है, कब मिलेगी मुझे? ढूंढ रही हूँ तेरे ही मतलब की लड़की ढूंढ रही हूँ मैं। अबे मैंने कौन सा हीरा मांग लिया है जो नहीं मिल के दे रहा? अबे एक सादी सी लड़की मांगी है मैंने, दो पैर होने चाहिए, दो हाथ होने चाहिए, हाँ बस चिक चिक किल किल ना करे वो। आजकल लोगों को अपनी लड़कियों को बाहर भेजने का जो जुनून चढ़ गया है। वैसे एक रिश्ता तो है मेरी नजर में, लेकिन उसके भी दो रिश्ते बाहर के आए। मकसद कहने का है, प्लस कहने का है, भाजी मेरा भी रिश्ता डाल दो उधर, जिसकी नसीब की होगी ना वो ले जाएगा, डाल दो। चल ठीक है, कोई तरकीब लड़ाती हूँ मैं। ऐसा कर, आज मेरे लिए खाना मंगा ले कोई अच्छा सा। खाने की टेंशन ना लिया करो। हाँ हेलो, हाँ क्या पका है? भाजी है। मूड ही अजीब सा हो गया, कहीं दिल नहीं कर रहा आने जाने को। मैं सोच रही थी कि राबिया का भाई तारिक आया हुआ है अमेरिका से, पास पड़ोस का मामला है, क्यों ना उसे चाय पे बुला लें। हाँ बुला लो उसे चाय पे, ठीक कह रही हो तुम, अपना मोहल्लेदार भी है और आया हुआ भी अमेरिका से ही है,
तो ठीक है, मैं रूबी से भी कह देती हूँ कि वो राबिया को बोल दे दावत के लिए। ठीक है बेटा। तारिक तुम तो वाकई बहुत ज्यादा चेंज हो गए हो भाई। अमेरिका जाने से पहले तो बहुत दुबले पतले सूखे से हुआ करते थे, मगर तो माशाल्लाह क्या बात है। अब बस अंकल, पहले की बात कुछ और थी, जब डैड थे बेफिक्री थी बिल्कुल, लेकिन अब बात कुछ और है। कितना समझदार हो गए वहां जाकर। सच पूछो बेटा, मुझे बहुत खुशी हुई है कि तुम आए हो। और बेटा क्या मसरूफियात है वहां तुम्हारी? भाई के दो सुपर स्टोर है वहां पर। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, हमारी दुआ है अल्लाह ताला तुम्हें और तरक्की दे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा बेटा, राबिया बता रही थी कि तुम यहाँ पर शादी करने के लिए आए हो, कुछ लड़की वड़की देखी या नहीं? अब बस आंटी, वही मसला जेरे गौर है। वैसे भाई को लड़की तो पसंद आ गई है, ऐसे सस्पेंस फैला रहे हैं ये। अच्छा तो कौन है भाई, किसके नसीब खुल गए, हमसे क्यों छुपा रहे हो? आंटी बस एक दो दिन और सब्र कर लें, फिर इंशाल्लाह सबको ही पता चल जाएगा। हाँ बेटा बिल्कुल, बहुत सोच समझ के फैसला करना, ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं किए जाते। जी अंकल। अब चलें अंकल, अब हमें इजाजत दें, कुछ दोस्त यार वगैरह आए हैं, उनसे ही मुलाकात करनी है, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, खुदा हाफिज। ओके बेटा अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। अब पापा को क्या जवाब देंगे, जल्दबाजी में जुबान तो दे दी। अब औलाद से बढ़ के जबान है क्या तुम्हारी? जब बात करेंगी जब की तब देखी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम पापा। हाँ वालेकुम अस्सलाम। अरे कहाँ हो तुम, पहले तो इतनी बेसब्री बनी हुई थी और अभी कोई कॉल ही नहीं कर रही मुझे तुम। पापा टाइम ही नहीं लगता। चलो छोड़ो, मैं खुद जो आ रही हूँ शाह की बात करने। शाह भी बहुत खुश है इस रिश्ते से। पापा मैं कुछ कहना चाह रही। हाँ बोलो। पापा आपको तो पता है आजकल की लड़कियों का, पहले शाह के अमेरिका जाने का हो रहा था तो रूबी खुश थी इस रिश्ते से। तुम क्या कहना चाह रही हो, तुम्हारा मतलब क्या है कहने का? पापा अब रूबी के पापा ने भी रूबी के रिश्ते की कहीं और बात चलाई है। अच्छा मैं समझ गई, तुम्हारी जल्दबाजी और तुम्हारा लालच तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। पापा अब रूबी, शरीके हयात का मतलब पता है तुम्हें? आई मीन शरीके हयात वो होती है जो जिंदगी भर तक साथ निभाए। क्या तुम मेरे साथ निभाओगी? क्यों नहीं निभाऊंगी, जरूर निभाऊंगी, आखिरकार जीना मरना आप ही के साथ तो है। अब यार देखो, मैं ये कहता कि एक बार फिर अच्छी तरीके से सोच लूं। आई मीन हो सकता है कि मैं अमेरिका का तमाम बिजनेस वाइंड अप करके यहीं पाकिस्तान शिफ्ट हो जाऊं, कि उसके बाद ही तुम उससे शादी करोगी। मैं समझ गई, आप मजाक कर रहे हैं ना। भला इतना बड़ा बिजनेस छोड़कर कोई यहाँ क्यों रहेगा? ऐसा कैसे हो सकता है भला? देखो होने को कुछ भी हो सकता है। मैं समझ लू, आप मुझे आजमा रहे हैं, लेकिन कुछ भी हो मैं तो आप ही से पीछे तो नहीं हटूंगी। चलो ठीक है, फिर मैं एक काम करता हूँ कि कल ही तुम्हारे फादर से बात कर लेता हूँ, फिर डैडी और राबिया को भेजूंगा बगैर रिश्ता ले लेती। लेकिन पहले आप मेरे डैड से बात क्यों करेंगे? यार देखो वो हमारे बड़े हैं, और अच्छी बात है बड़ों से इंसान बात डिस्कस कर ले। अम्मी की कॉल आ रही है, काफी लेट हो गई हूँ ना, बाद में मिलेंगे ठीक है? बाय। यकीन करो बेटा, जब तुम अमेरिका भी नहीं गए थे ना, उस वक्त से तुम हमें पसंद हो बेटा। अच्छा तारे, तुम अपने पापा को कब भेज रहे हो रिश्ते की बात करने के लिए? हाँ अरे आंटी, उनको तो मैं जब कहूँगा वो जब आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। हाँ बेटा कहो, क्या बात है? वो अंकल, मैंने फैसला किया कि
मेरा अमेरिका के जितना भी बिजनेस है वो सब मैं वाइंड अप करके यही पाकिस्तान में कोई छोटा मोटा सेटअप डाल लूं। मगर बेटा दुनिया तो अमेरिका सेटल होने जाती है और तुम तो माशाल्लाह पहले ही सेट हो, फिर भी। अंकल दूर के ढोल हमेशा सुहाने होता, लेकिन अब तक मुल्क अपना होता और अब मेरा यही फैसला है। अब आप लोग मुझे बता दें कि मैं अपने डैड को कब भेजूं। ठीक है बेटा, जैसा आपकी मर्जी, हमें जब बताना होगा तो आपको बता देंगे। ठीक है अंकल, जैसी आपकी मर्जी, मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। समझ में नहीं आता कि तारिक को क्या जवाब दूं, हमारी बेटी के लिए तो बिल्कुल बेकार है वो। आपको पता है राबिया 2-3 बार घर का चक्कर लगा चुकी है सिर्फ हमारी राय जानने के लिए। देखो तारिक और शाहब का चैप्टर हो गया क्लोज। मेरे एक दोस्त ने अपने भांजे के लिए कहा है, उसके पास भी नेशनलिटी है किसी मुल्क की। अपने दोस्त से मिलकर उसे याद दिलाता हूँ मैं। ये सब ना आपकी जल्दबाजी की वजह से हुआ। अरे वो तारिक अमेरिका से क्या आ गया, आपने तो शाहब को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। ये कदर की आपने मेरे हीरे की? हीरा जब टके टके में बिकने लगे ना तो वो हीरा नहीं रहता। अरे भाई अतिया, रूबी देखो कौन आया है। शहाब आप, माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है मेरा बच्चा। खाला ये सब आपकी दुआओं और प्यार का नतीजा है। दुकान ने कैसे छोड़ दिया बेटा आपको? खालू अल्लाह के फजलो करम से अब्बू की हालत अब बिल्कुल ठीक है, एक दिन भी घर नहीं बैठा गया उनसे। अगले ही दिन मुझे दुकान से धक्के मार मार के बाहर निकाल दिया उन्होंने और कहा जाओ मियाँ जाओ, तुमसे ये दुकानदारी नहीं संभाली जाएगी। बेटा क्या सोचा है तुमने, क्या इरादे हैं? बस दुआएं लेने आया था मैं आप लोगों की, कल शाम को फ्लाइट है मेरी अमेरिका की। अमेरिका की? मगर बेटा अमेरिका जाने का फैसला तुमने बहुत जल्दी नहीं कर लिया? अच्छा मौका है, मैंने सोचा निकल जाऊं और इस बार ग्रीन कार्ड लेकर ही वापस आऊंगा। लेकिन बेटा इसमें तो काफी अरसा लग जाता है ना। जी खाला इसमें कुछ अरसा तो दरकार होता ही है। चलें आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अब मैं निकलता हूँ। मगर शाहब आपकी फ्लाइट तो कल है ना, आज रात आप हमारे घर पर रुक जाए। नहीं काश मैं रुक पाता, मगर मेरा फ्रेंड गाड़ी में मेरा बाहर वेट कर रहा है तो मुझे निकलना होगा। और रूबी तुमने मेरा यहाँ बहुत ख्याल रखा है तो इसलिए तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ तुम मुझे ज़रूर कहना। अच्छा अब आप सब अपना ख्याल रखिएगा, मैं निकलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। ये हो क्या गया तुम्हें, क्या हालत बना रखी है आपने, अपना ख्याल रखना भी छोड़ दिया तुमने। क्या करूंगी मामा, बन सवर कर अपना ख्याल रखकर। अरे नहीं बेटा ऐसी मायूसी की बातें नहीं करते, देखना कितना अच्छा रिश्ता आएगा मेरी बेटी के लिए। बस मामा बस, मुझे इतना अनमोल ना बना दे कि कोई खरीदार ही ना मिल सके, मैं अब और ख्वाबों में नहीं जीना चाहती। अरे आप इतनी जल्दी आ गए, तबीयत तो ठीक है आपकी? हाँ मैं इसलिए जल्दी आ गया कि मैंने सोचा कहीं देर ना हो जाए। तारिक जैसा भी है मैंने सोचा कि देखा वाला है, वो यहाँ कुछ ना कुछ कर ही लेगा, इसलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और तारिक के लिए हाँ कर देते हैं। सॉरी अंकल आपने देर कर दी। क्या मतलब? मतलब अंकल ये कि तारिक भाई एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं, वो वापस अमेरिका जा रहे हैं। मैं समझा नहीं, उसने तो मुझसे कहा था कि वो कभी अमेरिका वापस नहीं जाएगा और यही सेटअप बनाएगा अपना। जी अंकल इरादा तो यही था, लेकिन यहाँ के हालात देखकर घबरा गए, दिल बर्दाश्त होकर वापस अमेरिका चले गए।
अगर आप कहें तो मैं किसी रिश्ते वाली से बात करूं। हाँ सही कह रही हो तुम, वक्त गुजरता चला जा रहा है और कहीं कोई बात बनती नजर नहीं आ रही है। यही तो मैं कह रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि पूरे के चक्कर में आधे से भी रह जाएं। एक उम्र होती है अच्छे रिश्ते आने की भी। मैं बात करती हूँ किसी से। हाँ हाँ तुम बात करो किसी रिश्ता लगाने वाली से, लड़का वह शरीफ हो, हमारी बेटी को खुश रख सके, हमें और क्या चाहिए। सारी तफसील तो मैं तुम्हें बता ही चुकी हूँ। एक गाड़ी, फ्लैट और कॉर्नर का प्लाट, नाम करेगा मुंह दिखाई में। मगर इसके चेहरे पे मत जाओ, बाहर जो कार खड़ी है ना वो देखो। चल भाई मुबारक हो, हाँ तो हो गई। चल भाई तुझे मुबारक हो। हाँ जीते रहो। भाई वो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, मैं ना बहुत खुश रखूंगा आपकी लड़की को, बहुत बहुत खुश रखूंगा मैं। भाई जी तुम बताओ ना इनको। एक मिनट। हाँ हेलो, हाँ कटूस, कैंसिल कर दे आना, तेरे भाई की शादी पक्की हो गई है। अबे भाई का खाना बनाइयो ना। हाँ लंगर याम। एक मिनट रुक, दूसरे फोन पे फोन आ रहा है। हाँ हेलो कटूस बंद कर। हेलो हाँ सर पहुँचा दिया हम लोगों ने खाना, क्या हो गया ऐसा ना पहुँचाया तुमने। हाँ एक मिनट होल्ड कर, डायरेक्ट फोन बाद में बात करता हूँ। हाँ हेलो, वो तो ऑर्डर भिजवा दिया हमने। हाँ भाई रूबी क्या हो रहा? कुछ खास नहीं। बजा दी तुम बड़ा अच्छा हो, सुरीला सुरीला। अब रूबी अब एक ना बात पूछनी थी तुमसे। पूछे ना। अब तुम खुद तो हो ना मेरे साथ? क्यों मैं आपको खुश नजर नहीं आ रही? पूछना तो फर्ज है ना भाई मेरा, मैं तो पूछूंगा सो रू ना मैं। 2 साल हो चुके हैं हमारी शादी, एक बच्ची की माँ बन चुकी हूँ, फिर भी आप हर दूसरे दिन मुझसे यही पूछते हैं। बात ये कि मैं ना सारी खुशियाँ ना मैं तुमको ला के देना चाहता हूँ और खुश रखना चाहता हूँ मैं तुमको, और इसी सिलसिले में ना मैं एक और बड़ा सरप्राइज लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। इतने कीमती कीमती तहाइफ क्यों ही पड़े हुए, खेल कर दी आपने किसी ना। क्या है सही जाऊंगी? क्या है सरप्राइज? सरप्राइज ये कि हम अभी हफ्ते ना अमेरिका जा रहे हैं। क्या? मुझे पता था मेरी बेगम को ना अमेरिका जाने का बहुत शौक है। बस काफी दिनों से इस काम के चक्कर में लगा हुआ था मैं, अल्लाह ने काम करा दिया, वीजा मिल गया हमको अमेरिका का, विजिट वीजा, और हम लोग अगले हफ्ते घूमने जा रहे हैं अमेरिका। आप मुझसे हर वक्त यही सवाल पूछते रहते हैं कि मैं आपके साथ खुश हूं या नहीं, तो आज मैं इस सवाल का जवाब पूरी सच्चाई के साथ देना चाहती हूँ। मैं आपके साथ खुश नहीं हूँ। क्या? बहुत खुश हूँ। अब इसी बात पे ना वो फटाफट टेकिंग शुरू कर दो, वो बैग कहाँ है? हाँ फटाफट देख, मैं सामान रख लूँ।